मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपका स्वागत है। लास्ट लेसन में हमने टेक्स्ट बॉक्स वर्ड आर्ट के बारे में जाना था, आज हम उसके आगे करेंगे। इफ यू आर अफ्रेड टू डू समथिंग, रिमेंबर इट, देन दिस फियर इज ए साइन दैट योर वर्क इज रियली फुल ऑफ ब्रेवरी। इफ देयर इज नो फियर एंड रिस्क इन इट, देन एवरीवन वुड डू इट। यदि किसी काम को करने में आपको डर लगे तो यह संकेत है कि वह आपका काम वाकई ही बहादुरी से भरा है। अगर इसमें डर और रिस्क नहीं होता तो वो हर काम हर कोई कर सकता था। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने अभी तक टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट को अच्छे से देख लिया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हमारे पास वर्ड आर्ट के बाद, ये वर्ड आर्ट था, वर्ड आर्ट को हमने कर लिया कि वर्ड आर्ट को किस तरह से यूज किया जा सकता है। कहीं पे भी किसी भी पेज पे आप इसको रिवॉल्व भी कर सकते हो, सर्कल में भी ले सकते हो, शेप्स चेंज कर सकते हो। इसके बाद है सिग्नेचर लाइन। इसमें अभी तक नहीं आ रही क्योंकि मैंने जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो उस समय इसको, इस फीचर को नहीं लिया होगा। सिग्नेचर लाइन में भी इसी तरह से जो भी सिग्नेचर होते हैं लास्ट में, तो जिस तरह से आपने लास्ट टाइम कंपनी का फैक्स देखा था तो सिग्नेचर लाइन के लिए आता है कि आपको साइन कहाँ पे करने हैं। ये आ गया डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम स्टूडेंट्स हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आता है कि आपको फॉन्ट कौन सा लेना है, किस तरह से कौन सा स्टाइल लेना है डेट का। डेट के बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल है, जैसे ये वेडनेसडे अगस्त 19, 2020 इस तरह से लिखा, तो इसको लिखने में समय लगता है, तो आपके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट है कि आपने वहां से सिलेक्ट कर दिया तो आज की डेट ऑटोमेटिकली आ गई कि वेडनेसडे अगस्त 19, 2020। इसी तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो और कोई ले सकते हो, आपको अगर फॉन्ट चाहिए, आपको डे नहीं चाहिए, 19 अगस्त के साथ टाइमिंग भी मेंशन करनी है, ये तो ये टाइमिंग आ गई आपके पास। इसके अलावा ये वाला स्टाइल आ सकता है, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल आ सकते हैं। और इसके अलावा ऑटोमेटिकली अपडेट्स भी हैं, आप इनकी ऑटोमेटिकली अपडेट भी ले सकते हो। जो भी चीज आप लेना चाहो, चाहे आप डेट के साथ डे लेना चाहते हो या कोई भी चीज लेना चाहते हो, तो ये आपको डिफरेंट फॉर्म फॉर्मेट्स मिलेंगे। इसमें डिफॉल्ट भी है, कुछ चीजें ऐसी बाय डिफॉल्ट आती हैं जिनको बाय डिफॉल्ट लिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे कि इनमें से कोई भी चूज कर लेंगे, जिससे आपकी डेट है एग्जैक्टली वहां आएगी, आपको डेट्स को लिखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में आप देखें, टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और ये ऑब्जेक्ट है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना हो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहाँ पे लेनी हो। एक है क्रिएट फाइल, आपको फाइल क्रिएट करनी है ब्राउज से लेके, और एक है क्रिएट न्यू फाइल, आपको न्यू फाइल को क्रिएट करनी है, बिट मैप इमेज की, बाइनरी की, एक्सेल की, या ये सब चीजें तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करते समय आपके पास ये इस तरह का आएगा, जिस तरह से हमने पहले भी करा था आपको, उस समय मैंने इंसर्ट करके दिखाया था कि आपने कोई एक बार ग्राफ ले लिया था, बार ग्राफ में जिसमें एक्सेल की डायरेक्ट शीट आ गई थी। तो ये वाला ऑप्शन भी डिजाइन का है कि आपके पास कोई, आपने एक बनाया डेटा बनाया हुआ, उस डेटा का एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो उस एनालिसिस को किस तरह से करोगे, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। मैं इसको अगर हटाता हूँ मूव चार्ट के ऊपर, ये आपके पास यहीं पे आएगा। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स को फिर से खोल लेता हूँ, मैंने इसको नो किया था। हम अभी अभी जो कर रहे थे ऑप्शन, दैट इज इंसर्ट के ऊपर जाके, इंसर्ट से आपने लिया था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आपने देखा कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो आपने एक्सेल की शीट या किसी, और मान लो मैं एक्सेल ले लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट आएगी, एक्सेल की शीट के ऊपर जो भी डेटाबेस लिखा था उसके ऊपर उसकी एनालिसिस आएगी कि आपने एनालिसिस कैसे करी हुई है। ये एनालिसिस है आपकी, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यूज को, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट टाइप के फ्लो चार्ट्स दिखेंगे, जैसे जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसा ही दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ,
इन चीजों को आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपको चाहिए कहाँ पे, जहाँ पे आपने कोई भी डेटाबेस बनाया हुआ है। जैसे आप कोई भी गेम्स देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कितने ओवर्स में कितने रन अभी बने हैं, कितने प्लेयर्स उसके आउट हो गए हैं। तो आपको इस तरह से एक हिस्टोग्राम बनाना होता है या बार ग्राफ बनाना होता है शो करने के लिए कि अभी उसकी एवरेज कैसी चल रही है, पहले वाले ओवर में कितने रन मिले थे उनको, अब कम मिल रहे हैं ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे आजकल कोरोना का रेट है, तो उसमें भी आपको बोलो दिखता है कि पहले कोरोना किस तरह से कम था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया है, कुछ स्टेट्स में भी कम हो रहा है। तो इस तरह से ये सब चीजें एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डेटा को सिंबल्स में बताने की, कि आप उसको डायरेक्टली देख सके। जो भी चेंज करना हो कॉलम्स रोज में सिलेक्शन में आप इसको कर सकते हो, आप इसकी चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका डायरेक्ट लिंक एक्सेल में रहता है। तो एक्सेल में जो भी डेटा होगा आप एक्सेल के डेटा के ऊपर ही डिपेंड करता है, एक्सेल के डेटा से ही इसको निकाला जा सकता है। हम इसको इसके आगे चलेंगे। हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब हमारे पास जो अगले ऑप्शन के बाद आपके पास कुछ और चीजें मिलेंगी, चीजों को थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। अब आपने जो भी डिजाइन किया था, डिजाइन करने के बाद जो अगली चीजें आपकी हैं उन चीजों को हम दूसरे वाली शीट में ले लेते हैं। वहां फॉर एग्जाम्पल वो वाली शीट हैंग है, तो इस इंसर्ट बटन के साथ ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट में आपके पास फ्रॉम दी टेक्स्ट भी है, फ्रॉम दी टेक्स्ट में से भी आप ले सकते हो। अगर आपने यहाँ से किसी को उठाना है, किसी फाइल को लेना है, मैं फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल ले लेता हूँ, तो इंसर्ट कर दूंगा, तो इससे क्या हो गया कि जो भी आपका फ्रॉम द टेक्स्ट था वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बने थे वही आ चुके हैं। तो इस तरह से फ्रॉम द टेक्स्ट में से ले लिया। अब इंसर्ट के बाद आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास टाइप करना टफ टफ है, मतलब कीबोर्ड से हम उनको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम है, तो आप डायरेक्टली बायनोमियल थ्योरम को लिखेंगे तो बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे आपके सामने आ गई। ऐसे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लाया जा सकता है, आप इनको चेंज कर सकते हैं प्रोफेशनल वे में, लीनियर वे में। कुछ जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, हम इंस्टॉल करते समय उन ऑप्शंस को छोड़ देते हैं और इंस्टॉल नहीं करते हैं। जब भी आप एमएस वर्ड को इंस्टॉल करें तो उसके पैकेज को पूरी तरह से इंस्टॉल करें, क्योंकि ये चीजें कुछ इंटरनेट की अपडेट मांगता है, इंटरनेट की अपडेट की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। ये सिंबल्स आप देख रहे हैं, ये सिंबल्स आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, तो ये सिंबल्स आपको इसी ऑप्शन से दिखेंगे जिसमें रूट का सिंबल है, आपको रूट टाइप करना है। तो आप रूट टाइप कैसे करेंगे, आपको दिक्कत हो रही है यार मैं रूट नहीं टाइप कर पा रहा हूँ, तो आप उन्हीं सिंबल्स में वहीं से जाके, ये आपके पास इक्वेशन है, मैंने मान लो यहाँ पे या कुछ भी किया, तो ये आपके पास ये सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, इन सिंबल्स को यूज कर सकते हो आप। ये सिंबल्स आपको यहीं से मिलेंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाके, इक्वेशन में जाके, यहाँ पे जाओगे तो ये आपके पास बहुत सारे सिंबल्स हैं, जिन सिंबल्स का आप मैथ्स के क्वेश्चन पेपर फ्रेम करते समय या कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह का ये लिखना अदरवाइज इस तरह मुश्किल है आपके लोगों के लिए कि आप कैसे लिखेंगे, तो आपको ये चीजें लिखने के लिए मैं कर्सर यहाँ पे लगता हूँ, आप इसको फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये इस तरह का लिया मैंने और यहाँ से इसके अंदर ये लिख लिया। तो जो भी चीज लिखनी है आपको, कोई भी सिंबल लिखना है, ये सारी चीजें कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, डिग्री है, ये सब चीजें हैं आपको यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स रहते हैं जिन सिंबल्स को आपको लेना जरूरी होता है, आप उनको ले सकते हो। ये वाले ऑपरेटर्स हैं, इनको ऑपरेटर्स को ले सकते हो, ये टाइपिंग के समय आपको इनकी हेल्प जरूर मिलेगी। और फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं साइन साइन कॉस वाले, इनवर्स वाले, तो इन फंक्शंस को आप लिख सकते हो। इंसर्ट में आपके पास लास्ट वाला एक ऑप्शन रहता है जिसमें सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे इंपॉर्टेंट जो सिंबल आपने सिलेक्ट किए हो या टिक किए हो, उन सिंबल को आप यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे रूट का साइन है, रूट का साइन है, तो आप रूट के साइन को ले रहे हैं। इसके अलावा मोर सिंबल्स में, पहले तो ये सिंबल्स देख लीजिए आप कितने सारे सिंबल्स हैं, ट्राइंगल बनानी है तो
तो डायरेक्टली ट्राइंगल बन गई। इसके अलावा आपको परसेंटेज का साइन लगाना है, वो तो इससे भी कीबोर्ड से भी लगाया जा सकता है। मोर सिंबल्स में आप देखें बहुत सारे ऐसे सिंबल और भी मिलेंगे आपको, जिन सिंबल्स को टाइपिंग के दौरान आप इस्तेमाल करते हो। आपको कीबोर्ड से सिंबल्स दिख नहीं रहे हैं यार, कैसे मैं टाइप करूं, कहां से सिंबल्स को लाऊं, तो सिंबल्स को जब भी लाना हो तो आप इन सिंबल्स को लाके इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखिए कि इसमें कितने सारे सिंबल्स आपको दिखेंगे, इसमें बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखेंगे। जो भी सिंबल आपको कहीं पे भी यूज करना है, ये सबमिशन का साइन है, मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो सबमिशन आ गया। जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो क्लोज करके ये सबमिशन का साइन आ गया। बाद में इसको अगर आपको और कहीं पे करना है तो आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो मुझे और किसी जगह पे चाहिए, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो जहां मर्जी लेना चाहूँ तो उसको मैं ले सकता हूँ इसी सिंबल्स में। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे और ऑप्शंस हैं, मैथमेटिकल ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पाई है, पाई का इस्तेमाल आप करते हो, मोस्टली पाई का इस्तेमाल करना पड़ता है किसी मैथ्स के क्वेश्चन में, तो ये पाई का इस्तेमाल हो रहा है। हम दिखा रहे हैं कि पाई कैसे, अदरवाइज पाई ऐसे कीबोर्ड से टाइप करना तो मुश्किल है। आपको पाई स्केयर लिखना है, या ये स्केयर है तो सुपर स्क्रिप्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो कि हम सुपर स्क्रिप्ट में इसको क्लिक करेंगे तो इस ये पाई स्केयर में आ गया। ऐसी लॉगरिथम की वैल्यू लेनी है, जो भी चीजें आपको लेनी है तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। ये इंसर्ट के सारे ऑप्शंस थे जो हमने यूज कर लिए। एक्चुअल में जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें होम में जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, होम के बाद आपके इंसर्ट में आती हैं। दीज आर दी बेसिक थिंग्स जो आपको एमएस वर्ड में यूज करनी पड़ती हैं। इन चीजों को अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपका एमएस वर्ड का 50% से ज्यादा काम हो गया। अब कुछ टेक्निकल चीजें और रहती हैं, लेकिन बेसिक चीजें इन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि आपका जो एमएस वर्ड का बहुत सारा काम निकल रहा है। क्योंकि आप टेबल क्रिएट करना सीख गए हो, आप शेप्स यूज करना सीख गए हो, पेज नंबरिंग दे रहे हो, आप हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना आ गया, आप आई कार्ड बना सकते हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स फ्रेम कर सकते हो, कंटेंट्स को डिजाइन करके लिख सकते हो, आप पंपलेट्स बना सकते हो, आप कोई मैगजीन्स में नंबरिंग दे सकते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब चीजें जो आप लोगों के लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन चीजों को साथ साथ करते करते आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, अदरवाइज आपको फॉरगेट हो जाएगा। लेकिन कि इसमें जो भी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जितना आप करते जाएंगे तो उतना आपको आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपको ये फिर से फॉरगेट होने शुरू हो जाएंगे ऑप्शंस। तो इनको इस्तेमाल करिए, डेली बेस का एक नोट्स बनाए, एक नोटिस टाइप का बनाइए, जिस नोटिस में हर एक अलग अलग चीजों को यूज किया हो तो वो बना के चेक करिए। दिन एक दिन का एक डॉक्यूमेंट्स बना के उस डॉक्यूमेंट्स को सेव करते जाइए अपने नाम से, ताकि आपको एमएस वर्ड में अच्छे से काम करना आ जाए। मेरा सबसे ज्यादा मेरा मोटिव यही होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप घर में बैठे इन लेसन्स के द्वारा अच्छे से एमएस वर्ड को सीख लें। और इसके अलावा, ये तो अभी बिगनिंग है, इसके अलावा जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेरीज होंगी उनको हम अच्छे से धीरे धीरे प्रोग्रामिंग तक भी जाएं। लेकिन जब तक आप एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को अच्छे से नहीं सीख सकते, आपको इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं वो नहीं पता चलते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग की ओर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग एक कम्प्लेक्स सा पार्ट है जिसमें प्रोग्रामिंग लिखनी होती है, प्रोग्रामिंग लिखने के लिए भी बेसिक्स चाहिए, और फिर उसके द्वारा उसको रन करके किस तरह से किया जा सकता है। जैसे HTML की प्रोग्रामिंग हम करेंगे, ओरेकल की हम करेंगे, ये सब चीजें कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना होगा कि इस पे काफी मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत आप करोगे इसमें काम करने की, तो उतना आप आगे बढ़ सकते हो। और ये प्रैक्टिकल लेसन इसीलिए डिजाइन किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप इनको देखो, अच्छे से यूज करना सीखो। कहीं पे प्रॉब्लम आती है, किसी ऑप्शंस का पता नहीं चलता है जो इम्पोर्टेंट है, आपको करने में दिक्कत आ रही है, तो आप कन्वे करके जरूर बताएं, व्हाट्सएप माध्यम से बता दें या किसी मैसेज करके बता दें, जिस तरह से आप ग्रुप में बता सकते हैं, और ताकि आप इन लेसन को अच्छे से करें और अपनी आप में जो एमएस वर्ड की महारत हासिल कर सके। तो आज के लेसन के लिए इतना ही है, अब नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए।